हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेके बोर्ड एग्जाम जो 2020 है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले के जितने भी एग्जाम होते थे उनमें आपका 15 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता था। ठीक है, 15 मार्क्स का आता था। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते थे एमसीक्यू टाइप? 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते थे। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से, जब से एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है, तब से जो एग्जाम हो रहा है वो 2 पार्ट में हो रहा है और 1 पार्ट में आपका 35 एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट का एग्जाम होता है वो भी 35 मार्क्स का होता है और इसमें आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो 2020 में जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होता है, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी अगर एक न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितना न्यूक्लियस में जितना प्रोटोन का चार्ज होता है, प्रोटोन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब इस बॉडी को हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस पे नेगेटिवली चार्ज एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा केस, जब हम लोग इस बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से हम लोग कोई एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मतलब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस एटम पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? कम हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण जो बॉडी होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखिए। इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अटैच इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपका एक यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, कितना ओम का आपका रेसिस्टेंस है इस वायर का? 16 ओम इसका रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट में अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पार्ट टोटल रेसिस्टेंस कितना है आपका? 16 ओम है, 4 पार्ट में इसको क्या कर दिए? कट कर दिए हैं, तो हर पार्ट का कितना ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा? 4 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सारे वायर के पार्ट का कितना ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा? 4 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इन ईच ईच पार्ट को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, हर वायर को, 4 आपका वायर बन गया, हर वायर का अपना एक रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, कितना रेसिस्टेंस हो गया? 4 ओम रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और चारों वायर को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी आपका 4 ओम है, ये भी आपका 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। ठीक है, तो यहां से आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4/4, दैट मीन 1 हो गया। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। किरकॉफ्स पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो किरकॉफ पॉइंट रूल किसको बोलते हैं? किरकॉफ पॉइंट रूल वही किरकॉफ जंक्शन रूल को हम लोग पॉइंट रूल बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल, या फिर इसको हम लोग किरकॉफ करंट रूल भी बोलते हैं, KCL। ठीक है, जंक्शन रूल क्या कहता है? कि जितना भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है, विच आर इमर्जिंग फ्रॉम ए जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू लॉन्ग पैरेलल वायर इज कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो दो लॉन्ग पैरेलल वायर है। ठीक है, और दोनों पैरेलल वायर कितना करंट
कैरी कर रहा है 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। I1 = 1 एम्पियर, I2 = 1 एम्पियर, दोनों वायर कितना करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 मीटर है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों वायर में जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 / 2π, ठीक है। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, क्योंकि वायर क्या होते हैं, ये वायर इंफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वायर आपके बहुत लंबे होते हैं, एल लेंथ के होते हैं, तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए जो आपको वैल्यू है, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4π का हमको वैल्यू पता है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2π है, तो 2 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई आपका ये वाला हो जाएगा 4π, और म्यू नॉट बाई 4π का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷। I1 और I2 का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर करके है, तो 1 × 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है आपका d, d का वैल्यू कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो आपका कितना इसका वैल्यू आ गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए नंबर, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसीलिए जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो आप लोगों ने तीन टाइप का एसी सर्किट पढ़ा होगा, एक एसी सर्किट में क्या होता है, जो सिर्फ रेसिस्टेंस कंटेन करता है, ठीक है, एक एसी सर्किट पढ़ा होगा जो सिर्फ कैपेसिटर कंटेन करता है, और एक एसी सर्किट पढ़ा होगा जो सिर्फ इंडक्टर कंटेन करता है, ठीक है, इंडक्टर कंटेन करता है। तो एक ऐसा एसी सर्किट जो सिर्फ रेसिस्टेंस कंटेन करता है, यहाँ पे जो करंट आई है और जो वोल्टेज भी है, इनके बीच का फेज एंगल कितना होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम फेज में होते हैं और इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। जो आपका ई है एसी सर्किट है जो आपका कैपेसिटर कंटेन कर रहा है, इसमें करंट लीड करता है बाई फेज एंगल π/2 से, किससे लीड करता है, वोल्टेज से, ठीक है। और जो सर्किट आपका इंडक्टर कंटेन किया हुआ है, इसमें आपका वोल्टेज लीड करता है बाय द फेज एंगल π/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये रेसिस्टेंस सिर्फ कंटेन कर रहा है तो दोनों सेम फेज में होगा, उनके बीच का फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो आपका किस फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, तो किसी भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो हम लोग को क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज आता है, तो उसमें तो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आता है टाइम के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उस प्रकार से एक दूसरे को जनरेट करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऐसा नहीं ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता या मूव करता तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका कितना दिया गया है, आपका ये दिया गया है 3/2, और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 4/3, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू
ये हो जाएगा 3/4, ये कितना आ जाएगा 9/4, ठीक है 9/8, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो देखिए दो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका दो लेंस होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आपका आईपीस लेंस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका फोकल लेंथ दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसका पूरा लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द जो ट्यूब है, ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है ये आपका कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस के बराबर होता है, f0 प्लस एफ ई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग एफ ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एफ नोट, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और एफ नोट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ ई कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो होता है एम इक्वल टू एफ नोट बाई एफ ई होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है तो हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। एफ नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, और एफ ई का कितना वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 9th नंबर देखिए आप, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। तो हाइगेंस वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हाइगेंस वेव थ्योरी के द्वारा हम लोग रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये वेव थ्योरी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। फोटोन कोई आपका एक फोटोन है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है इसका मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनर्जी होता है मतलब जो फोटोन पे जो एनर्जी होता है वो कितना के इक्वल होता है, एच म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि E इक्वल टू टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी पार्टिकल का, जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है m0 square c का पावर 4 प्लस p2 c2, ठीक है। m0 क्या है, यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट है p, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, और c क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये फोटोन पे भी अप्लाई होगा क्योंकि फोटोन भी आपका एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, और फोटोन के केस में जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो फोटोन का जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो फोटोन का टोटल एनर्जी कितना के बराबर आ जाएगा, पीसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको जो प्लैंक्स लॉ है उससे पता है कि फोटोन का जो एनर्जी होता है ई इक्वल टू एच म्यू होता है, और यहाँ से आपका ई इक्वल टू कितना आ गया, पीसी, तो एच म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीसी। तो यहाँ से मोमेंटम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच म्यू बाई सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो एच म्यू बाई सी के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एच म्यू होता है, और फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू एच म्यू बाई सी के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो कोई भी एटम के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, जो मतलब nth ऑर्बिट में जो nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होता है आर एन इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी nth ऑर्बिट के लिए, मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस है, ये आपका कोई nth ऑर्बिट है, तो इसका जो रेडियस होगा आर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। आर नॉट क्या होता है, आर नॉट को हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं, आर नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। जब एन इक्वल टू वन होता है मतलब जब फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट के केस में जो रेडियस आता है उसको हम लोग बोर रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर नॉट का जो फॉर्मूला होता है जीरो मतलब जो वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है अगर वो आर हो गया, मतलब जो आर नॉट है वो आर के इक्वल हो जाएगा,
तो आपका सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब एन इक्वल टू टू के लिए कितना रेडियस होगा, तो एन इक्वल टू टू के लिए आर क्या हो जाएगा, एन आर टू क्या हो जाएगा, आर नॉट, और एन इक्वल टू टू है तो टू का स्क्वायर तो कितना के इक्वल इक्वल हो जाएगा, फोर आर नॉट के इक्वल हो जाएगा, आर नॉट किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो फोर आर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, फोर आर के बराबर हो जाएगा, ये बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ, ये फेम्टोमीटर ऑर्डर का होता है, ठीक है, 10^-15, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन नाइट्रोजन 714 न्यूक्लियाई इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर इतना, ठीक है, देन इमिटेड पार्टिकल, मतलब अगर हम लोग का एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आइसोटोप हो गया 714 को अगर हम लोग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन से क्या कर रहे हैं, इसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो हमको कौन सा पार्टिकल मिल रहा है, N614 हमको पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों आइसोटोप है, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका 7 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है आपका 7 है, ठीक है, 14-7 कर देंगे। इस केस में देखिएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन मतलब जो बॉम्बार्डमेंट किए, तो आफ्टर द बॉम्बार्डमेंट जो प्रोटॉन का नंबर है वो 1 से डिक्रीज कर गया, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन आपका एक न्यूट्रॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें इसको हम लोग कौन सा डीके बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा डीके बोलते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एक प्रोटॉन हो गया एक न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इधर इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो इधर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे ई प्लस, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिट्रॉन के साथ साथ आपका एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्टिकल रिलीज होगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल आपका रिलीज होगा, और इसको हम लोग कौन सा डीके बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बीटा डीके पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल रिलीज होगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सबस्टांस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द सबस्टांस विल बी, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी, ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, आपका जो वैलेंस बैंड है और आपका जो कंडक्शन बैंड है, बैंड थ्योरी में पढ़ा होगा, इनके बीच में जितना भी एनर्जी का गैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। जो मेटल होता है, जो मेटल होता है, मेटल के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। और आपका जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो एक इसके लिए हो जाएगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये कौन सा आपका सबस्टांस हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 2020 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए थे, 15 MCQ क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।